कैसे आप लोग? माई सेल्फ रोहित सर, माई यूट्यूब चैनल जे आर नॉलेज इंस्टीट्यूट में आज का आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं रीजनिंग के बारे में डिस्कस करना जा रहा हूँ, जो चैप्टर है सीरीज। सीरीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रृंखला। बहुत सारे मेरे दोस्त को पता नहीं होगा, मेरे बहुत सारे दोस्त को पता होगा कि सीरीज के मतलब श्रृंखला होता है, जो सिक्वेंस में होता रहता है। तो आज का टॉपिक सीरीज रहेगा, जो बेसिक से मैं बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस, नेक्स्ट वीडियो में फिर एडवांस, उससे नेक्स्ट वीडियो में एडवांस के बारे में बात करूंगा। तो जो सीरीज होता है, जो हमेशा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, 2 से 3 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है, उसमें भी 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी की एग्जाम आने वाला है, और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, इसलिए आज बेसिक पर आता हूँ, क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मुझे किसी भी सीरीज को देखने के लिए हमेशा दोनों का डिफरेंस देखना पड़ता है कि डिफरेंस में क्या अंतर है। तो 2 से 4 बन रहा है, 4 से 6 बन रहा है, 6 से 8 बन रहा है, 8 से 10 बन रहा है, 10 से 12, 12 से 14 बन रहा है, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर मैं देखता हूं इस दोनों में क्या अंतर है। इस दोनों में प्लस टू एड हो रहा है, इस दोनों में प्लस टू एड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्लस टू एड हो रहा है। इसी तरह मुझे सिक्वेंस बनते चले जाएंगे, सभी में प्लस टू एड होते चले जाएंगे। प्लस टू इसमें कितना हो जाएगा, 16। 16 इज राइट आंसर। फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करता हूं। यहां 3 है, 5, 8, 12, 17, 23, 30। तो यहाँ देखना पड़ता है कि 3 से 5 आ रहा है, 5 से 8, 8 से 12, 12 से 17, 17 से 23, 20 से 30 हो रहा है। फिर क्या करूंगा, सीक्वेंस देखूंगा सीरीज क्या बन रहा है। 3 से 5 प्लस 2 ऐड करूंगा, 5 से 8 प्लस 3 ऐड होगा, 8 से 12 कितना ऐड होगा, प्लस 4 होगा, 12 से 17 प्लस 5 ऐड होगा, 7 से 23 कितना हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, 3 से 30 7 ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, मुझे क्या सीरीज बन रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 8 होगा, 38 इज राइट आंसर। इस तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ 5 है, 7 है, 9 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, नेक्स्ट में जाओ। यहाँ भी सीरीज चेक करना है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 है, क्या सीरीज होगा, इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। 5 और 7 में प्लस 2 ऐड करूंगा, 7 प्लस 9 में प्लस 2 ऐड करूंगा, 9 प्लस 11 में प्लस 2 ऐड करूंगा, इसमें प्लस 2 ऐड करूंगा, इसमें प्लस 2 ऐड करूंगा, इसी तरह मैं प्लस टू ऐड करते चलो जाऊंगा। 21 प्लस 2 कितना होता है, 23। 23 इज राइट आंसर। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। 8, 11, 15, 20, 26 26 हो गया, 23। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस देखना है। देखना 8 प्लस 11 कितना, 3, इसमें कितना हो रहा है, 4, इसमें क्या हो रहा है, 5, इसमें क्या हो रहा है, 6, इसमें क्या हो रहा है, 7, नेक्स्ट में क्या होगा, 8, क्योंकि यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 का सीक्वेंस माना है, नेक्स्ट में क्या होगा, 41 इज अ राइट आंसर। 41 इज अ राइट आंसर। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की। 7, 10, 13, 17, 10, 13,
सिक्सटीन नाइनटीन 22, 25 नेक्स्ट में क्या होगा? फिर यहाँ भी मुझे सीक्वेंस बन रहा है क्या, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 19 से 20, 25 आ रहा है। फिर क्या देखेंगे कितना 7 से प्लस 3 ऐड हो रहा है, इसमें 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 प्लस 3 ऐड हो रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, प्लस 3 ही होगा, कितना हो जाएगा 28 इज द राइट आंसर। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करता हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को उतारना है उतार सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, 11, 22, 23, 24, 25, 11, 22, 33, 44, 55, 56, नेक्स्ट में क्या होगा? फिर यहाँ बात करता हूँ कि 11 से 22, 20 से ये बन रहा है, ये क्या नंबर आ रहा है। फिर मुझे यहाँ देखने की बात आ रही है, इसमें 11 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 11 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 11 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 11 ऐड, इसी तरह मेरा सिक्स सीरीज बनता चला जाएगा। 11 कितना हो जाएगा 77 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, नेक्स्ट में क्या होगा? यहां बात करता हूं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, क्या होगा नेक्स्ट? फिर यहां बात करता हूं, 8 ऐड हो रहा है, इसमें भी 8 ऐड हो रहा है, इसमें भी 8 ऐड हो रहा है, इसमें भी 8 ऐड हो रहा है, इसी तरह मेरा सीक्वेंस बनते चला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो 72 इज द राइट आंसर। इसी तरह मैं बेसिक के बारे में बात किया हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत अच्छे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह से मेरे एग्जाम में मेरा पूछे ही जाते हैं। तो मैं इसी यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।